विद्यार्थी मित्रों, आगे पतंग कविता का तीसरा परिच्छेद देखते हैं। पहले कठिन शब्द रंध्रो। रंध्रो यानी अपने अपने आसान शब्दों में समझे तो हमारे जो हाथ के जो रोए होते हैं वो, और सुनहले अर्थात सुनहरा, सुनहले सूर्य यानी सुनहरा सूर्य। आइए दोस्तों देखते हैं। पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। दोस्तों यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं, ऐसा कवि प्रतीत करते हैं। छत अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कभी कहते हैं कभी कभार अगर वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं, उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है, उनका डर निकल जाता है और दूसरे दिन वे अधिक उत्साह के साथ, दूसरे दिन जब नया सूरज उगता है नई सुबह होती है तो वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। और इसके साथ साथ पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। कभी कहते हैं जब दूसरे दिन फिर से जब बच्चे आते हैं सुबह तो उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है और पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। कहने का अर्थ कि ये जो प्रकृति है उनको भी बच्चों का सहवास पसंद है, वे भी चाहती है कि बच्चों के नरम और मुलायम पैरों के पास वो जल्दी से जल्दी जाए। आइए दोस्तों इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। पहला, बच्चों का खतरों का सामना करना और भी साहसी बनना, इस भाव की अभिव्यक्ति। देखिए बच्चों कि यहाँ बच्चे खतरनाक किनारों तक चले जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर बच जाते तो और भी उनमें साहस जुट जाता है और फिर से वो खतरनाक किनारों की भी परवाह ना करते हुए पतंग उड़ाने के लिए छतों पर जाते हैं। तो यहाँ ये सामना करने की, साहसी बनने की ये भाव की बहुत सहज और स्वाभाविक तरीके से यह अभिव्यक्ति की है। आगे मुक्त छंद का प्रयोग। दोस्तों यहाँ कोई छंद, कोई मीटर में ये पद्यांश नहीं है, मुक्त छंद है जिसमें कोई भी राइमिंग वर्ड होना ना होना ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन भावों की अभिव्यक्ति यहाँ काफी प्रभावशाली है। आगे देखते हैं मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार यानी यहाँ जो हमने बताया कि पृथ्वी को एक मानव का रूप दे करके जैसे इंसान की तरह वो घूमती हुई चली जाती है, इस तरह से ये मानवीकरण अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार, तो साथ साथ सुनहले सूरज, ये यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आखिर में खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। खड़ी बोली में यानी कि हम बोलचाल की जो भाषा है, आम भाषा है हमारी, तो ऐसी खड़ी बोली में यहाँ कवि ने सुंदर सहज और आसान तरीके से एक अभिव्यक्ति की है। तो मित्रों इस पतंग कविता के जरिए कवि आलोक धनोआ ने शरद ऋतु में बच्चों का जो खेलना कूदना है, प्रकृति का उनके साथ आना, बच्चों के अरमान इच्छाओं
का प्रतीक यह पतंग कविता में कवि ने खड़ी बोली में सहज तरीके से बच्चों के साथ साथ प्रकृति का भी वर्णन किया है। धन्यवाद।